अंशु गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हैं। मुझे लगता है कि यदि आप वायलेंस की बात करते हैं, कभी भी हिंसा की किसी भी तरह की बात करते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जो सबको अलग अलग बांट देना है, वो सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को मुक्का मार दिया, किसी को कुछ बोल दिया। हिंसा सिर्फ हाथों से नहीं है, हिंसा हिंसा बातों से है, हिंसा हिंसा कर्मों से है। तो मैंने तो बचपन में बहुत इस चीज को देखा कि एक अलग किस्म का भाईचारा था। हर हाल में डिवीजन होंगे, हम लोगों को शायद उस उम्र में इन सब चीजों का एहसास नहीं था, होंगे बट वो इतने इतने दिखते नहीं थे। इतने ऐसा नहीं था कि आप इस बच्चे के साथ खेल सकते और इसके साथ नहीं खेल सकते। हमारे माँ बाप ने हमें कभी रोका नहीं इस चीज के लिए। एक बहुत बड़ा जो जो समाज है वो एक अलग तरीके से रहना चाहता है, वो खुद बट के नहीं रहना चाहता। ये कुछ लोगों की करामात है, करतूत है कि हम वो हरकतें करते रहते हैं कि जिससे लोग बटते रहे। लेकिन ये कुछ लोगों की हरकतें हैं, जो जो आम समाज है वो नहीं होता। और इसका बहुत सारे अभी आपको हाल फिलहाल में सबूत मिले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शारीरिक हिंसा नहीं बढ़ रही है, वो तो हमारे सामने सामने दिख रहा है। मतलब मैं यदि अपने बचपन से लेके अब तक देखूंगा तो मैंने इन सब चीजों को और बुरा होते हुए ही देखा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो एक पार्ट है। पर उसके साथ साथ मैं अच्छा हो रहा है ऐसा भी, इसकी भी कोई कमी नहीं है। क्योंकि एक आम जो इंसान होता है वो शांति रखना चाहता है। मतलब यदि मैं आज आपसे पूछूं कि 70% जो गाँव की जनता है, मैं दोबारा गाँव पे जा रहा हूँ और शहर के भी वही हाल है, या जो एक एक सोसाइटी में एक फ्लैट में रह रहा है, उसको उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए, वो क्या मांगता है? एक अच्छी आबोहवा मांगता है, पानी हो थोड़ा। यदि दोबारा मैं गाँव पे जाऊं तो उसके तो वो तो इंसान के इतने बड़े एस्पिरेशंस भी नहीं है। यदि उसको दो वक्त की रोटी मिल जाए और उसका बच्चा पढ़ लिख जाए, तो पानी के भी, साफ पानी की डेफिनेशन बदली हुई है वहां, तो जो पानी मिले उसको साफ मान के पी लेते हैं वो लोग। इतने संतोषी किस्म के लोग हैं अब, और वो दाता लोग हैं क्योंकि वही वही हमारे लिए चावल उगा रहे हैं, वही हमारे लिए यहाँ पे आके हमारे घर बनाते हैं, उसके बाद भी मांगते कुछ नहीं। आप ये सोचिए। तो मैं तो अभी जो एक काम अभी शुरू किया है, वो मेरा बहुत साल से कीड़ा था, तो इस साल से उसको शुरू किया। अभी उड़ीसा उसी सिलसिले में था मैं, वो उसका नाम है ग्राम स्वाभिमान। कि आपकी जो सबसे बड़ा एसेट है वो तो आपका स्वाभिमान है। आप तो हमारे पास नहीं आए कुछ मांगने के लिए। आप चावल उगाते हो, आपको चावल का भरपूर रेट नहीं मिलता, फिर भी हम जैसे लोग जब जाते हैं तो आप हमको खिलाते हो। आपका खुद का भी तजुर्बा होगा, हमारा तो बहुत तजुर्बा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर आपको खाना ऑफर नहीं होगा। वो कितना भी फाइनेंशियली गरीब इंसान हो वहां पर बैठा, वो एक बाल्टी में उड़ीसा में जाएंगे तो वो मीठी दही लाएगा ही लाएगा। बहुत सारे इलाकों में कहीं पे चिवड़ा खिलाएगा, कहीं जो 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 वहां हो सकता है, जो उस घर के लोगों ने कभी आसपास से गुलाब जामुन नहीं खरीदा होगा, बट आपके लिए वो गुलाब जामुन लेके आता है। और आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं उसके लिए, आप तो सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं, आप किसी प्रोग्राम के तहत नहीं जा रहे। तो वो खूबसूरती आज भी ऐसी की ऐसी जिंदा है। आज भी जो भी हो, त्योहार लोग साथ मना रहे हैं, नाचते गाते भजन कीर्तन जो भी, जिसका जो भी तरीके हैं वो सब लोग साथ कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हमें इसी चीज पे बिल्ड करना चाहिए, वो शालीनता, वो खूबसूरती, वो शांति, वो हर एक इंसान को चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ केस होते हैं जो बीच में आते हैं कि किसी ने कास्ट कम्युनिटी के नाम पर एक दूसरे को मार दिया, यू नो, ये जिहाद वो जिहाद वो सब होता है, वो भी समाज के सच्चाइयां हैं। बट फिर भी मैं मान के चलता हूं कि वो इतना सा है, खबर में इतना होता है, बट उसका जो दूसरा पक्ष है वो अभी बहुत मजबूत है और वो मजबूत रहना चाहिए। वो मेरे और आपके जैसे लोगों का एक कोशिश होनी चाहिए कि वो और मजबूत हो। जो भी हम लोगों को बिल्ड करना है वो तो अच्छे पे ही बिल्ड करना है, वो तो बुरे पे तो बिल्ड करना नहीं है। और उसका मार्ग जो है वो, मतलब जो आप हिंसा और अहिंसा की बात कर रहे हैं, बिल्ड करने के लिए तो हिंसा इन एनी केस किसी काम की नहीं है। हिंसा से कौन सी चीज बिल्ड होती है? हिंसा तो टूल ही नहीं है ना उसका, किसी भी तरह की हिंसा।
चाहे वो बातों की हिंसा हो, थॉट की हिंसा हो, हाथ की हिंसा हो, हिंसा के तो बहुत रूप हैं। किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए तो हिंसा टूल हो ही नहीं सकती, और ना हुई है आज तक। बिगाड़ने के लिए होती है। अब वो फिर आपका मकसद है कि आप बनाना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं।